हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है और चैम को लेके जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, क्योंकि इसकी आईज जो है ये वाली है रेड हो रही है, पता नहीं क्यों, और इसको खांसी भी हो रही है थोड़ी। तो डॉक्टर को मैंने फोन किया था, डॉक्टर ने कहा ले आओ एक बार दिखा दो। तो अभी चलते हैं सीधा डॉक्टर के पास। शुरुआत ऐसी होती है दिन की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहता है। तो दोस्तों, चैम को दिखा दिया था डॉक्टर को और एलर्जी है उसकी आंखों में, एक्चुअली इस वजह से रेड हो रही है। तो उन्होंने ड्रॉप्स दिए हैं लगाने के लिए, और जो उसको खांसी और कोल्ड हो रहा था तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक और जो दवाई है वो दे दी है डॉक्टर ने। तो वो दवाई उसको दे दी और तो अभी तो वो सो गया है। मतलब पता नहीं, थोड़ा बहुत ये शायद वायरल के, डॉक्टर कहता है कि वायरल की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वायरल अभी जैसा कि आप जानते हैं कि उसको वायरल हो रहा था, तो ठीक है, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं, इसी से एंटीबायोटिक्स वो सॉरी एंटीबॉडीज भी बनती हैं। तो चलिए अभी चलते हैं स्टोर और अपना काम वाम निपटाते हैं। और कार्तिका लोग तो सब घर पर ही हैं, और मौसम सुबह तो जैसे कि एकदम धूप हो रही थी, अब एकदम बादल आ चुके हैं और मौसम हो चुका है बहुत ही शानदार। मैं दिखाता हूँ आपको बाहर के नज़ारे, ये देखिए दोस्तों मौसम क्या, मैंने काले वाले बारिश आने वाली है ज़बरदस्त, बढ़िया मौसम होने वाला है। ऐसे मौसम में तो बस मन करता है कि कहीं निकल जाओ घूमने, लेकिन यार अभी एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, मेरी भी ठीक नहीं है, चैम की भी ठीक नहीं है। मैं भी अपनी दवाई ले आया था, खैर डॉक्टर से मैंने भी ले ली थी, क्योंकि मुझे भी कोल्ड हो रहा है काफ़ी और ये वायरल के साइड इफेक्ट है, रात को फीवर भी हो रहा था थोड़ा सा। तो खैर दवाई खा ली, अभी तो दवाई का असर हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। वायरल है, मौसम चेंज हो रहा था, ये थोड़ा बहुत चल ही रहा है, घर में सबको होगा एक एक करके। चलिए चलते हैं, काम निपटाते हैं, मौसम का मजा लेते हैं थोड़ा सा। मसाज हो रही है, मसाज थोड़ी सी देर में ही उठ गया, अभी तो सोया था। तो दोस्तों घर आ गया था ना, अच्छा वो एक्टिवा पंचर थी, देखो जबरदस्त मौसम हो रहा है भाई, जबरदस्त। अच्छा वो एक्टिवा पंचर थी तो मैं गाड़ी से चला गया था भाई साहब, बहुत जबरदस्त बारिश आ रही है यार, भयंकर काले बादल हो रहे हैं भाई साहब। कैमरा में फिर भी स्लो लग रही है बारिश, लेकिन बहुत तेज है, बहुत तेज। ये देख झूठे माया, झूठे माया, झूठे माया, मेरे एब्स भी बन जाएंगे इसके साथ साथ। ये तो भाई खाना चल रहा है आयुष का, आज बने हैं कोफ्ते। कोफ्ते है इसमें, बता दो किस चीज के कोफ्ते हैं। लौकी के ही तो बनते हैं कोफ्ते, ऐसा कुछ नहीं, मलाई के कोफ्ते भी। ये पता नहीं कुछ ढूंढ रहा है। ओ ओ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जबरदस्ती कुछ भी नहीं हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ। बहुत तेज, बहुत तेज मारा इसने अपने सर पे, मुंह पे फिर देखते इसकी चीख है। क्यों खेल रहा तू इतनी बड़ी चीज से, अपने खिलौने, खिलौने देखना इसके, यहाँ पड़े, वहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, खिलौने से नहीं खेलना। और एक वो बड़ा वाला तो उससे तो खेलना ही नहीं है, अपना डीओ लाके दो इसे। ये देखो इस चीज से लगा पड़ा है, लगेगा सर पे इसका, ये और भरा हुआ डब्बा दो। आई छोनो नहीं, हाथ से ले लो चीजें, रोने लग जाता है। चलो आ जाओ, चलो चलो, पूरी थोड़ी डालेगा मम्मी, गरम तो नहीं हो रही, नहीं देखते ना, गुनगुनी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है, लो बस ये। कुछ टेस्टी नहीं आया उसे, रोटी खा ले। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का समय हो रहा है और हम निकले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, और घर पे भी अभी बोर ही हो रहे थे, आयुष की भी ढीली तबीयत हो रही थी थोड़ी सी, तो निर्वैर भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है। आज उसे डॉक्टर के भी ले गए थे तो, बट तब से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, और अभी आयुष पीछे गाड़ी निकाल रहा है बस। अभी समीक्षा और अदिति तो गए हैं मंदिर, शिव मंदिर जो मसूरी रोड पे है, क्योंकि समीक्षा का फास्ट था तो वो तो वहीं गए हुए हैं, और वो कह रहे थे झांपियों के तुम मिल जाना हमें, वो एक्टिवा में गए हैं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि बादल है वो पीछे बहुत ज़्यादा काले हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं ग्राउंड। चलिए चलते हैं, इसका खिलौना भी मेरे हाथ में है।
नीचे हाँ। चलो बैठो। मौसम देखो कितना खतरनाक लग रहा है उधर। अब तो कम खतरनाक है, दिन में हो रखा था खतरनाक। यार कितनी ब्लैक ब्लैक हो गए, पूरी तरफ काले बादल हो रहे हैं। बारिश आने वाली है वैसे, बहुत बहुत तेज बारिश तो आगे जा चुकी है। दिन में कितनी तेज बारिश हो रही थी। नहीं रात को भी बारिश है, अलर्ट है ना, अब बारिश का अलर्ट तो दे रखा। और पता वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है केदारनाथ में, बादल बादल फट गए। रेस्क्यू टीम लगी हुई है केदारनाथ में। मार दे मुर्गे ने मार दिया कुत्ते को। भाई कैसे खेल रहे यार। दोस्तों ये है जुबिन नौटियाल का घर देहरादून में, जिसको भी आना है यहाँ पे बाहर खड़े हो सकते हैं जुबिन नौटियाल के ऑफिस के लिए। सुबह निकलेगा वो 8 बजे और यहाँ पे खड़े हो जाओ और ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हम वेट कर रहे हैं गुड़िया का और अदिति का। वो एक्चुअली कहाँ गए हुए थे, मंदिर गए हुए थे वो आज, क्योंकि उसका व्रत था गुड़िया का, तो वो शिव मंदिर गए हुए थे। तो वो रास्ते में आ चुके हैं यहीं पे। और ये रहे और ये शक्ल नहीं दिखाएगी, देखना एक्टिवा पहन के जानू उसकी। ये देखो हेलमेट पहन के नहीं दिखाएगी शक्ल, अब दिखाएगी। गाड़ी का लगाएगी क्या है? छत पे रख दे ऊपर इसके, इसपे बहुत जगह है। कहाँ लगानी बताओ ना। अरे लगा दे कहीं भी, लगा दे। ये लगा दी इन्होंने गाड़ी। और ये है ऊपर देख रहा है अपनी छत पे। कौन आया? वो देखो देखो कह रहा क्या, कौन आ गया एकदम से, कौन आ गया एकदम से, हाँ कौन आ गया एकदम से। ओ दिख रहे हैं उसमें। आ मेरे भोले। अच्छा लाइट पहले ऑन कर रखे। मेरा भोला। जिस शॉप पे जा रहे हैं वो सब बंद है आज, ये भी बंद है। टी स्टॉल, इस पे बहुत अच्छी मैगी मिलती है। और इस वाली सबसे पहला व्लॉग हमारा यही का है। हाँ हमारा सबसे पहला व्लॉग यहाँ का है। और ये है हाथी चाय शॉप, ये यहाँ की फेमस है, सबको ही पता है वैसे, लेकिन बेकार है यार। तो बाहर निकल गए हम और मुझे बॉर्डर लग रहा है क्योंकि मैं ऐसे पहली बार ही करी हूँ इसके ऊपर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली है, मेरी आवाज पता नहीं आ रही है। सब्जी की दुकान और वो है पूनम की दुकान। तो हम आए हैं फास्ट फूड और सब्जी लेने। और वो है उदीपी, यहाँ पे डोसा मिलता है। बुढ़िया के लिए हमने वियर जूस और लाहौरी जीरा देखा है। कौन सा बोल तो ये भी नहीं है। चाउमीन बोल दिया है, मोमोज बोल दिए है। ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे सही आ रहा, ऑर्डर दे दिया है। अभी गाड़ी में लाएंगे, इसको भी दे दिया जूस। तो पीछे कर दे, फेंक दे पीछे। ये स्प्रिंग रोल है, इसमें बैठ जाएगा। ये है मोमोज, फेंक पीछे। अदिति ले गए थे और ये अपना व्रत का खाना खा रही है, ये भी खेल रहा है। मैंने भी चेंज कर लिया है। तो दोस्तों रात का समय है और अभी आयुष गया है स्टोर, तो निर्वैर को बड़ी मुश्किल से सुलाया। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा था क्योंकि उसकी यार नींद ख़राब हो गई थी बार बार, तो अभी वो सो रहा है। बाकी मैं कैमरे में देख रही हूँ, मैं इनके पास बैठी हूँ दोनों के, अभी दूसरे रूम में। तो बस अभी आयुष आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर उस रूम में जाऊँगी, ग्रीन टी पीऊँगी। बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। दिखा दो, रो रही है आखिरी। दर्द हो रहा, दांत टूट गया। क्या बोलती हूँ दिखा। दर्द हो रहा वो ना आइसक्रीम के डब्बे के ऊपर। आज के डब्बे को वो रखा हुआ था।
बुक रख मैं उसको ऐसे से करी हुई हूँ अभी मुंह पे गिर गया। इसके मुंह पे गिर गया डब्बा, बर्फ का डब्बा था। बर्फ लेकर आ, बर्फ लगा मुंह में। आइसक्रीम खा रही थी। जा लाइनर भी तो दिख रहा तेरा। इसके लिए तो थ्री ठीक है वो। अरे वो आइसक्रीम के डब्बे के ऊपर रखा हुआ। बिल्कुल तो दांत गया, दांत ही टूटा। दांत तो गया, शायद ढीला हो गया। वो लॉक कट कर देना। बहुत दर्द हो रहा है तुम हंस रहे हो। वो कट कर ही दीजिए। नहीं जूझ के ले रहा कंडाई से मिल गया। नहीं कटली बिना। अच्छा मन में दर्द हो रहा। गिल्ट हो रहा था ना। मैं बताती ना तो इसने देख लिया। मेरे से जो दर्द हो रहा है यहाँ पे। नहीं ई गई तेरी भी बताती ना। मेरे को लगा कि तेरे दांत में है उस दांत में लगा। दांत हिल रहा है शायद। मैं करूँ थूक क्या? फिर मैंने अपने पैरों पे ही गिर गई। तो दोस्तों अब इसका फेस ठीक है बिल्कुल। इसने आइस से वो कर ली अपने फेस पे। अब थोड़ी सूजन तो आ गई। दिखाइए जरा। अरे दर्द हो रहा है। दर्द तो होएगा थोड़ी देर अभी। और जा आइसक्रीम खाने। काफी जोर से लगी थी अब। आइस पैक लगा इसके बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन बहुत फनी वे में लगी इसके, तो इसीलिए हम भी हंस रहे थे। बट अभी इसने वो लगा दिया, आइस लगा दिया है, और अभी काफी हद तक ठीक है इसका। काफी ठीक है। मेरे यहाँ पिंपल हो गए थे तो मैंने पिंपल पैच लगा दिया है। आयुष भी आ गया, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो दवाई खा के सोएगा। उसको भी मैंने मना किया था कि मत जा अभी रात को, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी। बट सुनता नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब दवाई खाएगा, सोएगा, फिर निर्वैर सो ही रहा है। तो अभी चलिए अभी आयुष से मिलवाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं आइसक्रीम खाऊँगी। तो बीपी तो आया है 108 और 81 अब ये भी चेक कर रही है, सोच रही है मैं भी कर लूं। और ये आया है आयुष का 108, ये आया है 81 और ये आया 105। ये थोड़ी हार्ट बीट इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि अंदर फीवर होता है जब। तो अदिति बना रही है चाय। मेरी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई, आज तुमने बोला था वीडियो बना के, वीडियो बनाना है। तो ये इसका बीपी है या आयुष से भी कम? मैं तो उठ के जाना पड़ता है। 104 है, 60 बहुत कम होता है भाई। ये होना चाहिए वैसे। और इसका क्या है ये? और मेरा है 111 73 83। सबका चेक होगा, उसका चेक करेंगे तो बेहोश होने। उसका तो मत ही करना चाहिए। उसका तो फिट नहीं आती। उसके तो ये फिट ही नहीं आती। भयंकर आवाज कैसी हो रही है, भारी हो रही ना आवाज। तो दोस्तों बस अभी चाय बन रही है, आयुष चाय और बिस्किट खाएगा, फिर उसके बाद दवाई खा के सोएगा और हम भी सोएंगे क्योंकि निर्वैर भी सो रहा है और ये दोनों भी सो जाएंगे, लेट हो रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ मिस्टर एंड मिसेस टंडन। गुड नाइट, बाय।